यहां में सीपीएम का फ्लैग दिखाई पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है? नहीं है ना रतन बाबू? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। यूट्यूब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाड़ देना, चल देना, चक्रांत तो करता हो यही नाटक करता है, अपने आप को बहुबली बुलाता है। ए बहुबली लोग सामने आओ ना, दुबाकरा खड़ा है, टाइगर अभी भी जिंदा, 2 मिनट में चैलेंज करना चाहता है ना? मेरे बाप को दुख करा के मारा, मेरे माँ को बेइज्जत किया, महाराजा वीर विक्रम का नाम को बदनाम किया, गरीब पीपरा साहब को भूमिहीन किया, आज हिम्मत है तो प्रत्येक विक्रम माणिक्य के सामने आओ, हमारा बुरुई बदल आपको चूड़ी पहनाकर मेला मठ में वापस भेज देगा। आंके बोनी किरिया और माणिक सरकार बोलते रहता है अपना पुराना कांग्रेस का दोस्त, कांग्रेस में रतन बाबू उन्हें कांग्रेस से आते कि बदलते रहते हैं ये लोग। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्यों ये करते हो, क्यों इतना नाटक करते हो? अगर नाटक ही करना था तो आपसे 10-15 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लेते। गुलशन ग्रोवर भी नहीं है, प्रेम चोपड़ा भी नहीं है, शक्ति कपूर भी नहीं है, आपको मिलिंग करोड़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम लोग बोलेगा ये अच्छा मिलेगा, हम लोग यहां से बोलेगा। लेकिन इतना नाटक मत करो, ठोकाई मत करो। पीपरा साहब को बलि में रखकर जैसे राजीव ने बोला, पहले सीपीएम को 20 का 20 पीपरा साहब का सीट मिलता था, अब पीपरा साहब, अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन समझ चुका है, अब हम किसी और का फाइट मुफ्त में नहीं फाइट करेंगे। आप पहले हमको राइटिंग में कुछ दो तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं दिया तो काम नहीं चलने वाला। आज मेरा आइडियोलॉजी अपना पीपरा साहब का आशा है, भूख है, उसका भविष्य है। मेरा आइडियोलॉजी तुम्हारे आइडियोलॉजी के संग नहीं बनता है। और जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी दुख होगा, राहुल गांधी जिस दिन शादी करेगा उसके बारात में बुबागरा नाचेगा, सच में आई लव हिम, सबके सामने बोल रहा हूं, उसके बारात में मैं नाचूंगा। लेकिन राहुल गांधी पीपरा साहब के लिए कुछ नहीं करेगा ना, तो उसको मैं वोट नहीं दूंगा। दोस्ती एक जगह में, कम्युनिटी एक जगह में, अपना दफा एक जगह में, दोस्ती कहीं और में। अपना दोस्ती के लिए अपना जमायत से, अपना लोगों से धोखा नहीं कर सकता हूं। 15 तारीख को अमित शाह जी कुमार घाट में आएगा, उसने हमारे लिए ब्रू वॉकआउट किया। 17 तारीख को खबर है कि प्राइम मिनिस्टर त्रिपुरा आएगा अगरतला में, उनके नीति के लिए, उनके पॉलिसी के लिए आज हमको कुछ मिलेगा। आप लोगों को मैं अपील करता हूं कि कुमार घाट में और अस्तबल मैदान में आप लोग जाइए और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर को पावर ऑफ धनसा दिखाइए, द पावर ऑफ कुकुम्बारा दिखाइए। क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना तो हमको सबको लेकर चलना है। ठीक बोल रहा हूं? मेरे बाद प्राइम चीफ मिनिस्टर जी बोलेंगे, डॉक्टर माणिक शाह, आप उनका भी बात सुनिए। और मैं डॉक्टर माणिक शाह जी को, मैं जानता हूं चुनाव है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर साहब आई अपील टू यू, एबीसी के बारे में सोचिए। सबका साथ सबका विकास 100% होगा, एबीसी को अगर आप रखेंगे तो पूरा विकास सबका साथ सबका विकास।
और मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ कि आपका प्रोफेसर लगे कि मैं जानता हूँ आपको प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो आपके दिल में है उसको पॉलिसी में ला के रखिए। ये अलायंस सिर्फ इलेक्शन का नहीं, ये अलायंस को चलना चाहिए। ये अलायंस आगे बढ़ेगा तो त्रिपुरा का उन्नति होगा। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम लोग सब भाई भाई बनकर त्रिपुरा को आगे ले जाए, ये मेरा दिल का। सब लोग मेरे साथ एक बार खड़ा होके बोलिए,